पांच गजब के डाबर प्रोडक्ट्स जो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। अब इससे पहले कि हम डाबर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो डाबर द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही मेरा उनसे कुछ लेना देना है। मैं एक ग्राहक हूँ जो आप ही की तरह जेन्युइन और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन और नेचुरल कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। डाबर के अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि हेयर केयर, स्किन केयर, ओरल केयर, होम केयर और फूड आदि में 260 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए इन सभी प्रोडक्ट्स में से मैंने डाबर के पांच ऐसे प्रोडक्ट्स चुने हैं जो मेरी राय में हटके, जेन्युइन और वैल्यू फॉर मनी है। शुरू करते हैं नंबर पांच से, जो कि है डाबर हाजमोला। हाजमोला भला किसने नहीं खाई। इसके चटपटे टेस्ट से आज भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि डाबर हाजमोला ना ही सिर्फ टेस्टी है बल्कि ये डाइजेशन में भी बहुत मदद करती है। ये इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब्स और मसालों का एक अद्भुत मिश्रण है जिसकी बस एक गोली खाने के बाद खाने से पाचन शक्ति तेज होती है। ये 100% आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं डाले हुए। हाजमोला कितनी लोकप्रिय है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में हर रोज 2.6 करोड़ टेबलेट्स बिक जाते हैं। आइए एक बार डाबर हाजमोला को एक और पॉपुलर डाइजेस्टिव पिल के साथ कंपेयर कर लेते हैं, पतंजलि पाचक अनारदाना गोली। इंग्रेडिएंट्स चेक करें तो आप पाएंगे कि पतंजलि पाचक गोली तो चीनी गोली है जिसके 100 ग्राम में 53.6 ग्राम तो शुगर है। यही नहीं, अनारदाना तो बस 6% ही है। दूसरी तरफ हाजमोला में रिफाइंड शुगर नहीं बल्कि थोड़ी मात्रा में शक्कर का इस्तेमाल हुआ है, जो कि डेफिनेटली बेटर है। तभी तो शायद डाबर हाजमोला पर डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई वार्निंग नहीं है। और यही नहीं, 100 ग्राम पतंजलि पाचक आपको पड़ेगी 35 रुपए की, जबकि उतनी ही क्वांटिटी हाजमोला की आपको पड़ेगी सिर्फ 30 रुपए की। हाजमोला सच में एक गजब का प्रोडक्ट है डाबर का। अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसे आराम से अपने साथ रख सकते हैं। बाकी ध्यान रखें कि हाजमोला के जो फ्लेवर्ड वर्जन्स हैं उन्हें ना खरीदें क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले हुए हैं। नंबर चार पर है बादाम रोगन तेल। डाबर प्रोडक्ट्स में ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। आजकल ऑयल इंडस्ट्री में मिनरल ऑयल, सिंथेटिक कलर्स और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस की इतनी एडल्ट्रेशन के चलते डाबर का ये 100% प्योर बादाम तेल बहुत सही है। ये एक मल्टीपर्पज ऑयल है जिसको सिर्फ बाहरी शरीर के लिए नहीं बल्कि पिया भी जा सकता है। 100% नेचुरल बादाम रोगन ऑयल के ब्रेन, मेमोरी, सॉफ्ट स्किन, लंबे मजबूत बाल जैसे बेशुमार फायदे हैं। इसका भरपूर फायदा लेने के लिए इसका एक चम्मच एक ग्लास गर्म दूध में रात को सोने से आधे घंटे पहले पिएं। बादामों का सबसे ज्यादा फायदा चाहिए तो बादाम खाने से अच्छा बादाम पियो। आप इस ऑयल को सर या बॉडी की मसाज के लिए यूज करो, ब्रेन और स्किन को बहुत फायदा होगा। डाबर बादाम रोगन ऑयल का 100 ml मुझे पड़ा 330 रुपए का। हाँ, थोड़ा महंगा लग सकता है लेकिन ये देखते हुए कि ये 100% बादामों से बना है, इतने फायदे हैं इसके और आपको ग्लास बॉटल में मिलता है, मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ट्राई करने लायक है। नंबर तीन पर है डाबर लाल दंत मंजन। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आपसे कंपनीज ये तो ज़रूर पूछती हैं लेकिन आपको ये नहीं बताती कि अधिकतर टूथपेस्ट में ना जाने कितने जहरीले केमिकल्स डालती हैं। जी हाँ, ये देखते हुए तो वो टाइम आ गया है कि हम सेफर ऑप्शंस की तरफ मुड़े। डाबर लाल दंत मंजन एक ऐसा ही सेफ प्रोडक्ट है। काफ़ी लंबे समय से भारतीय मार्केट में चल रहा ये मंजन, जो प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे कि लौंग का तेल, पुदीना, कपूर, पिपली आदि से बना है। क्योंकि ये 100% हर्ब से बना है बिना किसी जहरीले केमिकल से, इसे रोजाना यूज करने से आपके मसूड़े मजबूत रहेंगे और दांत सफेद। आप बस थोड़ा सा मंजन सरसों के तेल में मिक्स करके उंगली से ही 3-4 मिनट के लिए मुंह के चारों तरफ घुमा सकते हैं। दोस्तों, जब हम उंगली से दंत मंजन करते हैं तो कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं जो सीधा डाइजेशन में हेल्प करते हैं। 100 ग्राम डाबर लाल दंत मंजन आपको पड़ेगा सिर्फ 42 रुपए का। जरूर ट्राई करके देखें। नंबर दो प्रोडक्ट है डाबर अश्वगंधाधि लेहया। दोस्तों, हम जानते ही हैं कि अश्वगंधा के कितने ज्यादा फायदे हैं। इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए डाबर ने एक जबरदस्त आयुर्वेदिक बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट बनाया है जिसका नाम है अश्वगंधाधि लेहया। अश्वगंधा को अंगूर और कुछ नामी हर्ब्स के साथ मिलाकर स्टेमिना, मसल स्ट्रेंथ और सेक्सुअल पावर के लिए एक दमदार प्रोडक्ट बनाया है। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि डाबर ने इस प्रोडक्ट को मीठा करने के लिए रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि
ऑथेंटिक तरीके से शक्कर का इस्तेमाल किया है जो कंपैरेटिवली काफी हेल्दी होती है। मसल बिल्डिंग करनी हो या रात को नींद नहीं आती हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसका एक चम्मच रात को गर्म दूध में डालकर पिएं। वैसे आप चाहें तो इसके एक दो चम्मच रोटी या ब्रेड पर लगाकर भी खा सकते हैं। ट्राई करने लायक प्रोडक्ट है सच में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं नंबर वन डाबर प्रोडक्ट को रिवील करूं, मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि हमें ब्लाइंडली डाबर प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना है। काफ़ी ऐसे डाबर के प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार हैं। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स की। डाबर वाटिका जैस्मिन हेयर ऑयल जिसमें 85% मिनरल ऑयल है। दोस्तों, मिनरल ऑयल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि कैंसर कर सकता है। डाबर के सबसे पॉपुलर आमला हेयर ऑयल में आमला तो ना के बराबर है, मिनरल ऑयल ही भरा हुआ है। डाबर वाटिका शैम्पू में इतने जहरीले केमिकल्स हैं कि आपके बालों को पोषण देने के बजाय बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचा देगा। डाबर पुदीन हरा में पैराबेंस और सिंथेटिक कलर्स डाले हैं। डाबर गुलाबरी प्योर नहीं है, इसमें जहरीले केमिकल्स जैसे कि प्रोपिलीन और ट्राईइथाइलीन ग्लाइकोल हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि चाहे कोई भी ब्रांड हो, लेकिन खरीदने से पहले प्रोडक्ट के एक बार इंग्रेडिएंट्स को जरूर देखें। वापस आते हैं नंबर वन प्रोडक्ट पर, जो है डाबर का च्यवनप्राश। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और ऐसे में भारतीय घरों में च्यवनप्राश बहुत यूज होता है। डाबर च्यवनप्राश शायद सबसे पुराना सप्लीमेंट है जो आधुनिक भारतीय यूज करते आए हैं। च्यवनप्राश ग्रंथों की माने तो आमला में 40 जड़ी बूटियों का एक अनोखा मिश्रण है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। डाबर च्यवनप्राश को पतंजलि च्यवनप्राश के साथ कंपेयर करें तो इंग्रेडिएंट्स तो लगभग सेम है, लेकिन पतंजलि के 10 ग्राम में जहां 5.8 ग्राम शुगर है, वहीं डाबर में सिर्फ 2.8 ग्राम शुगर है। वो तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा क्योंकि पतंजलि का च्यवनप्राश काफी मीठा है। डाबर च्यवनप्राश बहुत ट्रस्टेड है और सही भी। च्यवनप्राश के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन इसको सही ढंग से लेना भी बहुत जरूरी है। पहले तो च्यवनप्राश को सुबह खाली पेट खाना बेस्ट होता है। इसको धीरे खाएं ताकि पूरा फायदा मिले। ध्यान रखें कि च्यवनप्राश खाने के आधे घंटे बाद तक कुछ और ना खाएं। और हाँ, इसे दूध के साथ भी ना लें अगर मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो। तो दोस्तों, ये थे मेरे हिसाब से 5 जेन्युइन वैल्यू फॉर मनी और हाई इन यूटिलिटी डाबर प्रोडक्ट्स जो आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। मैं ये कन्फर्म करता हूँ कि मैं ना ही किसी ब्रांड के साथ हूँ और ना ही खिलाफ। मैं किसी भी प्रोडक्ट को उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से जज करता हूँ।